हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, हैव अ गुड डे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हूँ सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल जरूर से रख रहे होंगे। तो ये जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इसमें हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आज सुबह। चले चेक कर लेते हैं क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, सोच उनका क्या है आपको लेकर, आपके बारे में, आपके रिश्ते के बारे में क्या है उनका थॉट्स, और आज के दिन आप दोनों के बीच क्या कुछ हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं होने का, यही जानने की कोशिश करेंगे। तो फोकस अपनी पर्सन पर बना कर रखिए, साथ में यूनिवर्स से प्रे ज़रूर कर लीजिएगा कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दे, आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करें। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, अर्ली मॉर्निंग मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। थ्री ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आपके पार्टनर काफ़ी हर्ट फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर काफ़ी उदास हैं, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, आपके पार्टनर को हेल्थ इशू हो रहे हैं, आपके पार्टनर इमोशनली, मेंटली, फिजिकली काफ़ी डिस्टर्ब मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक तो इनको हेल्थ इशू हो रहे हैं, इमोशनली और मेंटली भी काफ़ी डिस्टर्ब मुझे दिखाई दे रहे हैं, और वजह है आपका रिश्ता, आप दोनों का ब्रेकअप, आपके रिश्ते का एंड होना, आपके रिश्ते का ख़त्म होना, क्योंकि आप इनके लिए इनके फैमिली थे, कहना चाहिए थे नहीं, हो आप दोनों, आपके साथ हमेशा इन्होंने एक फैमिली का ड्रीम देखा था, फैमिली चाहा था आपको, हमेशा इन्होंने एक हस्बैंड वाइफ की तरह देखा, ट्रीट किया, आपने इनको ट्रीट किया, इनको आपके साथ ऐसा लगता है कि जैसे फैमिली में है, ठीक है, काफ़ी सेफ फील करते हैं जब आप इनके साथ होते हो, काफ़ी सेफ, काफ़ी सिक्योर फील करते हैं। और जब ऐसा कनेक्शन टूटता है जिसमें जो हमारी दुनिया होता है, जिसमें हम पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो चुके रहते हैं, जिसके बिना हम जीने की उम्मीद भी नहीं करते, ठीक है, तो आपके पार्टनर को, आप दोनों का रिश्ते का एंड होना इनके लिए एक हार्ट ब्रेक से कम नहीं है, एक ज़िंदगी का अंत होने से कम नहीं है आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। आपके पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं, कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर चीटर रहे हैं, आपके पार्टनर खुद आपसे भक्ति आ रहे थे, क्योंकि आपके पार्टनर ने एहसास नहीं किया था आपके प्यार का, एहसास नहीं था इनको कि आप क्या मायने रखते हो, ये जो रिश्ता है, कनेक्शन है, वो क्या है, क्या मिलता है इस रिश्ते से हमें, ठीक है, क्योंकि आपने भले इनको एहसास नहीं कराया, जो भी आपने इनके लिए कर रहा है, सपोर्ट किया है, प्यार दिया है, इनको एहसास नहीं था, पर जब आज आप इनसे दूर जा रहे हो, दूर हो रहे हो, तब, या दूर हो चुके हो, तब इनको एहसास हो रहा है कि आपके बिना ये, इनकी ज़िंदगी, इनकी लाइफ कैसी है, कैसा गुजर रहा है, ये कैसा महसूस कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अचानक से आपके पार्टनर को कोई झटका लगा है, एहसास हुआ है, ज़िंदगी ने पलटी मारी है, जिससे आपके पार्टनर आपकी इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं, कहना चाहिए आप क्या मायने रखते हो इनके लिए, ये समझ रहे हैं आपके पार्टनर। चांसेस है आपके लिए रिश्ता का बात चल रहा है, या फैमिली ने नो कह दिया है आपके रिश्ते को लेकर, इनके फैमिली में बातचीत चल रहा है, या तो आपकी फैमिली में आपके रिश्ते के लिए ऐसा कुछ हो सकता है। आपके पार्टनर टोटली हार्ट ब्रोकन है राइट नाउ, ठीक है, आपके पार्टनर आपके साथ ही फैमिली चाहते हैं, फैमिली को लेकर कुछ हो रहा है यहाँ पर। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, ये भी हो सकता है आपके पार्टनर ने अपने फैमिली में किसी को खोया है, आपको खोया है, या तो राइट नाउ करेंटली इन्होंने अपने फैमिली में किसी को खोया है, या तो ऐसा हो सकता है कि आपकी तरफ से ना है, आपकी फैमिली का ना है आपके रिश्ते को लेकर, तो ये चीज़ इनको काफ़ी हर्ट कर रहा है, ठीक है, ये सोच रही है कैसे जी पाएंगे आपके बिना, नहीं, ये नहीं जी सकते आपके बिना, कितना भी ज़्यादा मुश्किल हो, नामुमकिन लगे, ये मुमकिन कर लेंगे, ये चाहते हैं, ये कोई होप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद चाह रहे हैं, देख रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स और क्या है इनको लेकर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, गलतियां किया है, अगर आपका दिन तोड़ा है, विश्वासघात आपके साथ किया है, तो आज आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं। कभी कभी क्या होता है पता है, मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था, अगर उसको मुझसे प्यार होता तो आज बातचीत करते मुझसे, तो क्या होता है कभी कभी, मैंने खुद फील किया, महसूस किया है, जो हम चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो चाहकर भी नहीं कर पाते, हमें जबकि एहसास हो चुका होता है, हम अंदर ही अंदर काफी घुटते हैं, तकलीफ में होते हैं, हर्ट फील करते हैं,
जिसको हम अनजाने में जाने अनजाने में तकलीफ दे दिए होते हैं, उससे ज़्यादा दर्द हमें होता है जब एहसास होता है, उसी पल हो जाता है कि हमसे क्या गलती हो गया है। पर फिर भी ईगो कहूँ या क्या कहूँ, किसी रीज़न से हम चाहकर भी उनसे माफ़ी नहीं मांग सकते, चाहकर भी नहीं कह सकते। बहुत कम ही लोग होते हैं जो कि कह पाते हैं, अपना रियल इमोशंस, फीलिंग्स, एनर्जी सामने ला पाते हैं, किसी को एक्सप्रेस कर पाते हैं, चाहे वो लव हो या कुछ कमिटमेंट उनको देना हो, ठीक है, चाहे ये कहना हो कि हाँ मुझसे गलती हुआ था या हुई थी, मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मुझे माफ़ी चाहिए तुमसे, ठीक है। जबकि एहसास हो चुका होता है, उसके बावजूद भी अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, तकलीफ में होते हैं, दर्द फील करते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, माफ़ी मांगते हैं सामने पर्सन से, पर कन्फेस करने से डरते हैं या झिझकते हैं, ये कहना चाहिए मुझे, नहीं कर पाते। बहुत से लोग, तो आपके पार्टनर भी उन बहुत से लोग में से एक हैं जो कि दिल ही दिल में एक नहीं हजार बार आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, आपसे गिड़गिड़ा रहे हैं, चाह रहे हैं कि आप दोनों साथ में आ जाओ, पर आई थिंक कह नहीं पा रहे हैं आपको कि मुझसे गलती हुआ है, मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हारे बिना अलोन हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मेरी ज़िंदगी में अंधेरे है तुम्हारे बिना। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि हम काफ़ी दिनों से रीडिंग देख रहे हैं, माफ़ी मांगेगी, रियूनाइट करना चाहता है, कनेक्ट होना चाहता है, चाहती है, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सब झूठा लगता है, तो मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है, क्योंकि सच में आपके पार्टनर के एनर्जी में आया है, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहता है या चाहती है, ठीक है, आपको हर्ट पहुंचाने का, दिल तोड़ने का, किसी और को चूज़ करने का, आपके साथ फैमिली ना बना पाने का, आपको अकेला छोड़ने का, आपका ट्रस्ट ब्रेक करने का। तो कई लोगों के पार्टनर मांग सकते हैं, ठीक है, जिनमें हिम्मत है, करेज है, स्ट्रेंथ है, वो कह सकते हैं, और कुछ लोग के पार्टनर दिल ही दिल में, मन ही मन में आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग होते हैं इस तरह की एनर्जी में, कुछ नहीं, बहुत लोग होते हैं, ठीक है, जो चाहकर भी नहीं कर पाते, नहीं कह पाते, सोचते तो हैं पर नहीं हो पाता उन लोग से, ठीक है, स्पेशली लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, बाकी अदर उनमें बहुत हिम्मत होती है, स्ट्रेंथ काफ़ी होती है, पर रिश्ते में कच्चे होते हैं, इस तरह के आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, स्पेशली यहाँ पर वर्गो है। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स और क्या है, क्या चाहते हैं इनके पार्टनर, मेरे व्यूवर्स हैं, इनके साथ रिश्ते से क्या चाहिए इनको। आज ही आपको चूज़ करना चाहता है, करना चाहती है, अगर ऑप्शंस था या इनको चूज़ करने की ज़रूरत था, फैमिली या आप में से, फैमिली रिश्ता दिखा रही थी या इनके पास ऑप्शंस था, जो भी, ठीक है, ये आपको चूज़ करना चाहता है, दिल से करना चाहता है, लाइफ टाइम के लिए चूज़ करना चाहता है या करना चाहती है, क्योंकि आपके बिना देख लिया ज़िंदगी कैसी है, लोग कैसे हैं। हो सकता है पहले इनके लिए प्रॉपर्टी, पैसा, मनी, चार लोग क्या कहेंगे, इम्पॉर्टेंट था, और अब ये व्यक्ति इम्पॉर्टेंट अपने हार्ट को दे रहे हैं, रिश्ते को दे रहे हैं, अपने लव को दे रहे हैं, आपको देना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं इन दोनों के बीच, नहीं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते से क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। कुछ कार्ड्स आया है, एट ऑफ पेंटिकल्स, वर्क करना चाहते हैं आपके साथ रिश्ते में, आपको प्यार देना चाहते हैं, भरपूर प्यार देना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल पर्सन बनकर आपके सामने प्रेजेंट होना चाहते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर जो भी मिस्टेक्स हुआ है पास्ट में, जो भी आप दोनों के बीच गिलर्शिक हो रहा है, सबको मानकर आपके सामने प्रेजेंट होना चाहते हैं, खुद के इमेज को सही करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि अब ये राइट हैं, एक राइट एनर्जी के साथ आपके सामने आना चाहते हैं, या जैसे
आप इनको रिजेक्ट ना कर सको, जिससे आपकी आंखों में देखकर आंखें तो मिला सकें, क्योंकि पास्ट में ज़रूर इनसे कुछ ऐसा हुआ है जिसे शर्मिंदा है। ठीक है, तो इनकी फीलिंग्स ऐसा है, जब इनमें स्ट्रेंथ आएगी, करेज आएगी, जब इनको लगेगा कि हाँ मैं कुछ बन चुका हूँ, बन चुकी हूँ, हाँ अब मैं उसके आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता हूँ, कर सकती हूँ कि देखो मैं हूँ तुम्हारा प्यार, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ, तुम्हें प्रोवाइड करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ और मुझे तुमसे ये चाहिए, यानी कि प्यार, लव, जिंदगी, साथ, सपोर्ट। ठीक है, इनकी एनर्जी ऐसा, जब मेरे पास कुछ होगा उसको देने के लिए तब मैं उसके सामने जाऊंगी। तो ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, अगर आज भग रहे हैं तो क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, क्लैरिटी लेकर नई शुरुआत करेंगे आपके साथ, या एक्शन लेंगे आपके पार्टनर। ठीक है, क्योंकि एक तो ऐसा हो सकता है ये इंडिपेंडेंट नहीं है, हैं तो सक्सेसफुल पर्सन नहीं है खुद के नज़रों में, तो खुद को सक्सेसफुल पर्सन बनाकर आपके सामने आना है इनको। ठीक है, इनको पता है आप बहुत प्यार करते हो, इंतज़ार कर रहे हो, ये खुद आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, खुद को आपके लायक बनाना चाहते हैं, क्योंकि पास्ट में इन्होंने आपको बहुत हर्ट कर रहा है, आपको डिसअपॉइंट किया है, अब निराश नहीं करना चाहते। ठीक है, डाउटफुल एनर्जी के साथ नहीं आना चाहते और आकर आपको वेट नहीं कराना चाहते कि तुम रुको जरा सा, मुझे मेरा कैरियर सही करने दो, तब तक रुको, नहीं, इस एनर्जी में नहीं, सब कुछ सेटल करके आपके पास आना चाहते हैं कि मैं आ गया, हमें सकल है, अब कुछ नया करें, नई जिंदगी की शुरुआत करें, क्योंकि ये सब स्वर्ड्स हैं। ऐसा आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, जिसमें कभी ब्रेक ना लगे, वापस पीछे मुड़ने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, आपको वेट ना कराना पड़े किसी रीज़न से, किसी वजह से, चाहे वो फैमिली हो, कैरियर हो, या कोई और थर्ड पार्टी हो, ऐसा आपके सामने आना है, आपके पास आना है, इसलिए वेट करा रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि खुद वेट कर रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं आज के दिन मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और मेरे व्यूवर्स के बीच क्या हो सकता है, आज के दिन क्या चांसेस है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं होने का। नाइन ऑफ कप्स, कोई विश पूरा हो सकता है आप दोनों का, कोई ड्रीम पूरा हो सकता है, और वहीं कुछ लोग लिए मैं ऐसा देख पा रही हूँ नो कॉन्टैक्ट में हो आप दोनों, चाहो कि बातचीत हो जाए पर नहीं हो रही है, तो अलोन फील कर रहे हो, काफ़ी मिस कर रहे हो सामने वाले पर्सन को, लॉस फील कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप खुद हील होंगे ना तो आपके पार्टनर में वो एनर्जी सेंड होगी, आपके पार्टनर फील कर पाएंगे। तो अगर आप काफ़ी लो फील कर रहे हो, लॉस फील कर रहे हो, तो फोकस हीलिंग पर कीजिए, सही चीज़ों पर कीजिए, पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए। आप सोच रहे होंगे कि लाइफ में तो कुछ सही नहीं चल रहा, कैसे हैप्पी रहें, खुश होने के लिए कोई वजह तो चाहिए, कोई रीज़न तो चाहिए, आपके अपने हैं, आपके साथ हैं, आपका प्यार है इस ज़िंदगी में, सांस ले रहे हैं, सांस ले रही है, आपके अपने सांस ले रहे हैं, ये काफ़ी नहीं है खुश होने के लिए, इसी में खुश होइए। खुशी के लिए कोई रीज़न ना ढूंढिए कि ये होगा तभी मैं खुश होऊंगा, होंगे छोटी छोटी चीज़ों को लेकर खुश होइए। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं और क्या कुछ हो सकता है। यूनिवर्स का एक मैसेज आ रहा है आपके लिए, आपको यहाँ पर इंडिपेंडेंट बनना है हर तरह से। जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं बन जाते, किसी पर डिपेंड रहोगे, चाहे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, तब तक आप अपने प्यार से दूर रहोगे। आपको स्ट्रांग बनाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, और अगर आप कन्फ्यूज हो तो जब तक कन्फ्यूज रहोगे आपका यूनियन नहीं होने वाला, आपके रिश्ते को सेकंड चांस नहीं मिलने वाला। हाँ, तो आपके लिए मैसेज ये है, आपकी विश, आपका जो ड्रीम है पूरी ज़रूर होगी, पर सही टाइम पर, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग पर। यूनिवर्स मुझे बताएं आज के दिन और क्या कुछ हो सकते हैं इन दोनों के बीच, मेरे व्यूवर्स और इनके पार्टनर के बीच और क्या कुछ हो सकता है, क्या चांसेस होने का।
जैसे कि मैंने कहा, आपका कोई ड्रीम ज़रूर पूरी होगी। चाहे आप किसी के हस्बैंड वाइफ बनना चाहते हो, मदर फादर बनना चाहते हो, किसी के साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हो, या आप करियर में सक्सेस चाहते हो, मनी चाहते हो, धन दौलत चाहते हो, प्यार चाहिए, पार्टनर चाहिए, लविंग केयरिंग पार्टनर चाहिए, सब कुछ मिलेगा। दुनिया की सारी खुशियाँ आपको मिलेगी, क्योंकि एम प्रेयस, ठीक है, आप एक किंग या क्वीन की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे इन फ्यूचर, ये बनने वाले हो आप, कोई आपको ट्रीट करने वाला है, आपके पास ये पोजीशन होगी, ठीक है, जहाँ पर आप लीड करोगे अपने रिश्ते को, रिलेशनशिप को, अपनी लाइफ को। किसी को इन्फ्लुएंस करने की पावर आप में होगी, स्पेशली आपके हस्बैंड, आपके लवर, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड, आपकी फैमिली, किसी को भी हो सकता है। आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर हो सकते हो या बनोगे, बनने जा रहे हो, ऑलरेडी हो तो और भी अच्छे होने जा रहे हो। तो आपकी लाइफ में सुख समृद्धि आ रहा है, आपका ड्रीम पूरा होने जा रहा है। कब तक पूछोगे, तो कुछ लोग लिए ऐसा हो सकता है इसी मंथ में हो जाए, ठीक है, इस महीने के एंड तक, आने वाले 3 दिनों के अंदर, वहीं कुछ लोग लिए 9 वीक्स के अंदर, 3 मंथ्स के अंदर। हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। हैप्पी फैमिली चाहते हो तो हैप्पी फैमिली होगी आपके, ठीक है, जहाँ पर आप बहुत खुश हो, हैप्पी हो अपने फैमिली के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, जहाँ पर किसी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, ईगो इशू नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर प्रॉब्लम्स होगी भी, फिर भी आप दोनों मिलकर शॉर्ट आउट कर लोगे, सही कर लोगे। तो मुझे यहाँ पर एक हैप्पी फैमिली दिखाई दे रहा है, आपकी भी अपनी होगी, ठीक है। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पिसेस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। ये रही गाइस आपकी रीडिंग, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना, लव यू ऑल, हैव अ गुड डे।